करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीयूटी माई क्लासरूम ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि दोस्तों पता है कि मेरी अभी जो सीयूटी के लिए जो क्लासेस हो रही थी, यूजी को टारगेट करते हुए अभी हम जो है जीएस वाला सेक्शन कर रहे हैं। यूजी और पीजी दोनों को टारगेट करते हुए अभी हम जीएस वाला सेक्शन कर रहे हैं, और जीएस वाले सेक्शन में साइंस की आज दूसरी क्लास होगी और हम सारे उन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये भी आज का जो टॉपिक है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके यूजी और पीजी सीयूटी के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, नए हैं, तुरंत जो है अपने सोशल मीडिया सोशल साइट्स पे इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसका लाभ ले सके। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और आज की हमारी जो क्लास होगी वो साइंस की दूसरी क्लास है। यह जो है आज वाली क्लास जो है वो साइंस की हमारी दूसरी क्लास है, और साइंस की पहली क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस किया था, डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, और डाइजेशन का कुछ चीजें अभी भी बच बच गए थे तो उस पर एक बार जो है डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जो है कुछ चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ह्यूमन सिस्टम टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, ह्यूमन सिस्टम। तो ह्यूमन सिस्टम में मैंने बताया था कि ह्यूमन सिस्टम में जो भी चीजें आपको जो जाननी होती है वह जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड होता है, और फिजियोलॉजी के साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एनाटॉमी होता है। ठीक है, और ह्यूमन सिस्टम से अदर जो मैंने बताया था, हालांकि अगर जो ह्यूमन मतलब क्या, एक ऑर्गेन्स हो गया या एक बॉडी हो गया, तो बॉडी या तो ये किसी प्लांट का हो सकती है या तो किसी एनिमल का हो सकती है, या तो एनिमल या ये प्लांट का हो सकती है। और बात करें अगर जो इनके फंक्शनल यूनिट की, तो इसका फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं, सेल को कहते हैं, यानी छोटे छोटे मिलिनो कह सकते हैं, मिलिनो सेल्स मिल करके क्या करते हैं, या तो ये किसी प्लांट बॉडी का मतलब प्लांट बॉडी का या तो फिर एनिमल बॉडी का ये निर्माण करते हैं। तो सेल के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में काफी कुछ जाना था, सेल का थ्योरी किसने दिया था, सेल के बारे में किसने बताया था, सेल से रिलेटेड कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो प्लांट एनिमल में दोनों में होते हैं, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो केवल प्लांट में होते हैं एनिमल में होते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत चीज पढ़ा था, और कुछ पिगमेंट्स भी जाना था। पिगमेंट्स के बारे में मैंने बताया था कि ये जो पिगमेंट जो होते हैं केवल प्लांट में होते हैं, और यह पिगमेंट जो है प्लांट में होते हैं, और ये क्या करते हैं, पौधों में कलर देते हैं। जैसे पत्तियों का कलर अलग होता है, फूल का कलर अलग होता है, फलों का कलर अलग होता है। इन सारी चीजों पे हम लोगों ने प्रॉपर जो पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है, समझ आया। हाँ, तो वीडियो आपने देखा होगा पहला वाला, फिर उसी की तरह जो है आज की वीडियो को भी कंटिन्यू करते हैं। तो पहला वीडियो जो था ह्यूमन सिस्टम का, हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा था। ह्यूमन सिस्टम में क्या पढ़ा था, डाइजेशन पढ़ा था, और डाइजेशन के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था। जैसे कि डाइजेशन के जितने सारे ऑर्गेन्स हैं, डाइजेशन के जितने सारे ऑर्गेन्स हैं उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, मैंने बताया था प्रॉपर आप लोगों को, क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोलॉजी। अब गैस्ट्रोलॉजी में डाइजेशन से रिलेटेड ऑर्गेन्स और एंजाइम, ऑर्गेन्स एंड एंजाइम दोनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, डाइजेशन से रिलेटेड जितने सारे एंजाइम है, जितने सारे ऑर्गेन्स हैं, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैंने डाइजेशन से रिलेटेड कुछ ऑर्गेन पे डिस्कस किया हुआ था पिछली क्लास में। जैसे कि मैंने बताया भी था कि डाइजेशन की जो क्रिया जो होती है, डाइजेशन की जो क्रिया जो होती है स्टार्ट कहां से होती है, तो डाइजेशन की क्रिया यानी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट जो होते हैं, तो स्टार्टिंग के लिए जिस ऑर्गेन्स की बात करें तो ऑर्गेन्स आपका क्या होता है, माउथ होता है, माउथ होता है, माउथ के बाद जो है यह फायरिंग से होते हुए, फायरिंग से होते हुए कहां जाता है, स्टमक में, फायरिंग से होते हुए कहां गया, स्टमक में, और स्टमक के बाद यह जो है ड्यूडेनम में जाता है, कहां जाता है, ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम से कनेक्टेड दो अलग ऑर्गेन्स होते हैं जिसमें से एक को हम क्या कहते हैं, तो एक को लीवर कहते हैं और एक को हम पैंक्रियास कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक को लीवर और एक को पैंक्रियास। ठीक है, इस ड्यूडेनम के बाद अगर जो बात करें तो इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इसके बाद जो ऑर्गेन्स है उसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो
तो अगर जो हम बात करें डाइजेशन के ऑर्गेन्स की, अगर जो हम डाइजेशन के ऑर्गेन्स की बात करें तो डाइजेशन के सारे ऑर्गेन्स हो गए, कौन कौन से, कौन कौन से हो गए, जैसे माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इतने सारे ऑर्गेन्स हो गए, ठीक है। तो कभी कभी होता क्या है कि इन अंगों का आपको मैच कराने के लिए दे देता है कि इन अंगों को क्रम से अरेंज करिए, इन अंगों को क्रम से अरेंज करिए। तो डाइजेशन का प्रारंभ कहां से हुआ, माउथ से। एंड अगर जो बात करें एंडिंग की, ठीक है, यानी एंड ऑफ डाइजेशन प्रोसेस विच ऑर्गेन, एंडिंग की अगर जो बात करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कोई डाइजेशन की क्रिया नहीं होती है, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है तो इसमें हमेशा जो वेस्ट कंटेन होते हैं वो जाते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। अब वहीं दूसरे लेवल पे अगर हम समझे क्या एंजाइम की, ठीक है, एक तो हम लोगों ने डाइजेशन का क्या किया, डाइजेशन के सारे ऑर्गेन्स को समझ लिया, डाइजेशन का प्रारंभ कहां से हुआ, एंड सेकेंड ऑर्गेन फेरिंग्स है, देन स्टमक, और ड्यूडेनम के दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसमें से एक को लीवर और एक को पंक्रियास कहते हैं, इसके बाद कौन सा ऑर्गेन है, देन लार्ज इंटेस्टाइन। समझ आ गया। तो ये सारे जो ऑर्गेन्स है जो कि आपके एग्जाम में यहां से इनके ऑर्गेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर जो बात करें डाइजेशन में सबसे बड़ा ऑर्गेन कौन सा है, डाइजेशन में सबसे बड़ा ऑर्गेन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर, ठीक है। डाइजेशन का सबसे बड़ा ऑर्गेन कौन सा है, लीवर। और इस ओवरऑल ये जो डाइजेशन के जो ऑर्गेन्स हैं, तो इस ऑर्गेन्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो ऑर्गेन्स है ना एक बड़ी पाइप है, ऐसे समझ सकते हो कि बड़ी पाइप है, ठीक है। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो 9 से 10 मीटर। डाइजेशन से रिलेटेड जो ऑर्गेन्स है, इस ऑर्गेन्स की लंबाई कितनी है, कितना, 9 to 10 meter, ठीक है। स्टार्ट कहां से हुआ, माउथ से। अब पतली ये फेरिंग्स है, और फेरिंग्स के बाद एक इंग्लिश के जे के शेप में ऑर्गेन्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। यहां के बाद फिर आगे एक सी के शेप में ऑर्गेन्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। अब इसी ड्यूडेनम से सी के शेप में जो है एक साइड लीफ के शेप में और दूसरे साइड कुछ इस तरह के शेप में ऑर्गेन्स होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीवर कहेंगे। जबकि ये क्या हो गया, पैंक्रियाज हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि ड्यूडेनम के दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक लीवर हो गया, एक पैंक्रियाज, एग्जैक्टली। इसके बाद जो है कुछ ऐसे फोल्डेड पाइप होते हैं वीली के शेप में, और ये सबसे सबसे लंबा डाइजेस्टिव ऑर्गेन है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। देन आउटर साइड से भी एक बड़ी पाइप होती है, ठीक है, और जो आउटर साइड से जो बड़ी पाइप होती है इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो होता है ये जहां पे जाकर के कनेक्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सीकम कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीकम। और यही सीकम से कनेक्ट होकर के यहीं पे अपेंडिक्स होता है, और ये फिर कहां चला जाता है, बड़ी आंत में, ठीक है। यानी डाइजेशन की जो क्रिया जो है वो कहां तक होता है, ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन तक। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आगे डाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। क्लियर हो गया ना। तो डाइजेशन का क्रिया प्रारंभ कहां से हुआ, एंड एंड कहां हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हुआ, आगे बढ़ा जाए। तो अब ऑर्गन तो समझ आ गए, अब दूसरा क्या जानना हमको, एंजाइम जानना है। क्या जानना है, एंजाइम जानना, ठीक है। अब एंजाइम को समझा जाए, तो जैसे कि अब ये जो मुख है, ठीक है, तो मुख से निकलने वाला एंजाइम कौन सा है, मुख से निकलने वाला जो एंजाइम है इसको हम कहते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं, टाइलिन, ठीक है। और टाइलिन जो होता है इसको सलाइवरी इमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, सलाइवरी इमाइलेज, ठीक है। और फायरिंग्स कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता है, फायरिंग्स कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता है। दूसरा एंजाइम कौन रिलीज करता है, स्टमक। कौन रिलीज करता है, स्टमक। और स्टमक से जो एंजाइम रिलीज होता है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस में तीन अलग अलग एंजाइम होते हैं
जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। कौन कौन से एंजाइम है? तो पेप्सिन, रेनिन और एससीआर, आगे जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद स्टमक समझ आ गया। स्टमक का शेप कैसा है? इंग्लिश के जे के शेप में बताया था, इंग्लिश के जे के शेप में। अब लीवर है, तो लीवर से जो एंजाइम निकलता है, यहां से जो एंजाइम निकलने वाला है, इसको हम कहते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस या जठरस कहते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस या जठरस कहते हैं। वही लीवर से जो एंजाइम निकलता है इसको हम क्या कहते हैं? बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस, या इसको पित्तरस कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्तरस। इसको क्या कहते हैं? जठरस, ठीक है। लीवर से क्या निकला? बाइल जूस या पित्तरस, ठीक है। वही पैंक्रियास से कौन सा एंजाइम निकला? इसको कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सा एंजाइम निकला? तो इसको कहते हैं एंटायर जूस। क्या बोलते हैं? एंटायर जूस, ठीक है। इतना समझ आ गया? निकलने वाला एंजाइम और ऑर्गन्स दोनों क्लियर हुआ ना। अब इसी तरह से जो है हम जो है बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखो, मेजर एंजाइम ऑफ डाइजेशन, यहां ध्यान दो, मेजर एंजाइम ऑफ डाइजेशन कौन कौन से हैं? ये सारे एंजाइम हैं, ये सोर्स हैं, वेयर एक्टिव सब्सटेंस एंड मेन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। तो पेप्सिन के लिए भी मैंने बताया ना, गैस्ट्रिक जूस से निकलता है। पेप्सिन कहां से निकलता है? गैस्ट्रिक जूस से, गैस्ट्रिक जूस से निकला, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस से निकला। और गैस्ट्रिक जूस कहां से रिलीज होता है? स्टमक से। समझ आया? वही ट्रिप्सिन है, कहां से निकला? स्मॉल इंटेस्टाइन से, म्यूकस स्मॉल इंटेस्टाइन। वही जो है, ये जो है ट्रिप्सिन है, कहां से निकला? पैंक्रियास से, ठीक है। एक्टिव कहां हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जो है कार्बोपेप्टाइड है, कहां से निकला? पैंक्रियास से। एक्टिव कहां हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ आया? एमिनो पेप्टाइड्स क्या है? इंटेस्टियल में। और एक्टिव कहां हुआ? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव हुआ, ठीक है। अब देखो सबसे क्या है, तो पेप्सिन किसको ब्रेक कर लिया? प्रोटीन को। ट्रिप्सिन किसको ब्रेक कर लिया? प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। ट्रिप्सिन क्रोमाट्रिप्सिन किसको ब्रेक कर लिया? क्रोमाट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, ठीक है। फिर पेप्टाइड और फ्रेगमेंट्स। अब एक चीज जान लो कि जितने सारे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, इरेप्सिन है, ठीक है, ये सारे जो एंजाइम है ना, सभी के सभी प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं। किस रूप में करते हैं? तो पॉलीपेप्टाइड के रूप में। कैसे करते हैं? पेप्टाइड्स, देख रहे हो ना, ये पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स देख रहे हो ना। और एमिनो एसिड भी जो होते हैं ना, ये भी प्रोटीन होते हैं। एमिनो एसिड भी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और पेप्टाइड्स भी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्लियर हो गया? ये सारे ऐसे एंजाइम है जो क्या करते हैं, क्या करते हैं ये एंजाइम है, प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, ठीक है। किस रूप में? पॉलीपेप्टाइड के रूप में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखो, एंजाइम है लाइपेज, कहां से निकला? कहां से निकला? एक्टिव कहां हुआ? कैसा है ये? ट्राइग्लिसराइड। काम क्या करेगा? फैटी एसिड मोनोसेक्राइड में ब्रेक करता है। क्लियर हुआ? एंजाइम याद रहेगा, एंजाइम से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट एंजाइम देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? इसमें पैंक्रियास से कौन निकला? पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस कहां से निकले? पैंक्रियास से। इंटेस्टाइनल न्यूक्लियस कहां से निकले? इंटेस्टाइन से, या इंटेस्टाइन उसको मुकिसा बोलते हैं, ठीक है। ये सब एक्टिव कहां है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे क्या इनके डीएनए आरएनए और न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मेन ब्रेक क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड बेस का। क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। चलो अब जो है हम अगला जो विटामिन जानेंगे,
हाँ, अब ये विटामिन के बारे में कुछ चीजें समझ लो, जैसे कि इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये है क्या, पहले इसको मेन जानना जरूरी है। तो मेनली ये जो टॉपिक जो आता है जिसके अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसको ह्यूमन फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ह्यूमन फूड, या इसको ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कहते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है? अब न्यूट्रिशन क्या होंगे, हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे ना। अभी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं बताओ भाई, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, जैसे 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 बताओ, जैसे विटामिन्स, और बताओ प्रोटीन, शाबाश। नेक्स्ट बोलो, कार्बोहाइड्रेट्स, आगे आगे फैट्स, या इसको क्या कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं, फैट्स या लिपिड्स, देन फाइबर, देन मिनरल्स एंड वाटर। समझ आया? कुल कितने हो गए, ये कुल कितने की संख्या में हो गए, दो तीन चार पांच छह और सात, ठीक है? जिसको हम किस रूप में जानते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है? तो इसमें जो है आपके एग्जाम में देखिए, प्रोटीन से रिलेटेड जो भी चीजें था डाइजेशन में हम लोगों ने जाना, डाइजेशन में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स ये सबका क्या है डाइजेशन, और ये तीनों क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या करते हैं, ये एनर्जी देते हैं, ठीक है? और वहीं अगर प्रोटीन की बात करें तो इसको हम बिल्डिंग कंटेंट फॉर बॉडी, शरीर के लिए इसको क्या कहते हैं, बिल्डिंग कंटेंट, ठीक है? जैसे कि क्या बॉडी एकदम क्या है, दुबला पतला है, तो क्या करेंगे, जो मसल्स बिल्ड करना है तो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के लिए मसल्स बिल्डिंग के लिए किसका यूज करेंगे, हाईली प्रोटीन का। अब प्रोटीन के अच्छे सोर्स क्या है, पल्सेस, मीट, एग और कृषि वगैरह, सारे के सारे क्या है, मिल्क वगैरह क्या है, ये सब सारे के सारे क्या है, प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, ठीक है? तो प्रोटीन को स्पेशली हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्डिंग फूड कहते हैं, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन तो सारे हैं, लेकिन स्पेशली प्रोटीन को क्या कहते हैं, बिल्डिंग फूड, मसल्स बिल्डिंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स ये तीनों क्या करते हैं, एनर्जी फूड है, ऊर्जा देते हैं, बाकी सारे एनर्जी नहीं देते, यानी विटामिन, फाइबर, मिनरल एंड वाटर, ये क्या करता है, यह ऊर्जा नहीं देता है, इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ, एनर्जी नहीं देता क्या? नहीं देखिए, ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन ये करता है क्या, मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, फास्ट करता है, इंक्रीज करता है। तो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज होने में भी क्या होगा, मिनरल्स तो मिलने लगेंगे ना वहां से, तो ये इनडायरेक्टली ऐसे ये करता है, ठीक है? विटामिन हो गए, फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, सॉरी विटामिन, फाइबर, मिनरल एंड वाटर। अब जैसे मिनरल्स की बात करो तो कौन कौन से मिनरल हो गए, जैसे जैसे बॉडी कैसा हो रहा है, बॉडी एकदम जैसे कि उबासी आ रही, आलस हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, बॉडी में कम हो रहा है। जैसे ही हमने पानी लिया, पानी पिया, ऑक्सीजन मिला, फिर से बॉडी क्या हो गई, रिएक्टिव हो गई, एक्टिव हो गई, ठीक है? समझ आया? तो अब पानी से हमको क्या मिला, मिनरल मिला, क्या मिला, कार क्या मिला, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, समझ आया? उसी तरह जैसे सोडियम है, सोडियम लेना, सोडियम में भी क्या होती है, मसल्स है या नर्व जो होते हैं ना, ये धीरे 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 स्लो काम करने लगते हैं, सोडियम, तो सोडियम जो होता है हमारे बॉडी के लिए किस चीज में यूज, किस चीज में आता है, नर्व्स को एक्टिव करता है। जैसे आयरन की कमी हो गई, ब्लड फॉर्मेशन क्या होगा, स्लो हो गया, फिर क्या करेंगे, आयरन को एक्टिव करेंगे उसके रिसोर्सेस से, और रिसोर्स क्या, आयरन के अच्छे रिसोर्सेस, स्पेनिच हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गए, जिगरी हो गया, ठीक है? ये सब सारे क्या है, आयरन के रिसोर्सेस हैं, क्लियर हुआ? तो ये सारे मिनरल जो है ना, मिनरल्स क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, समझ आया? अब उसी तरह से जल की बात करें तो जल भी क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने में मदद करता है, एक्टिव कोई ये एनर्जी का सोर्स नहीं, लेकिन मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने में ये मदद करता है, समझ आया? आगे बढ़ गया? तो इसमें भी हम किसको करेंगे, विटामिन्स को,
किसको पढ़ेंगे? विटामिन को। ठीक है, अब समझो, अब जो विटामिन जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। विटामिन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। फादर ऑफ विटामिन किसे कहते हैं? फादर ऑफ विटामिन किसे कहा जाता है? सी फंक। फादर ऑफ विटामिन किसे कहते हैं? सी फंक। ठीक है, अब विटामिन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक जो विटामिन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? फैट सॉल्युबल। क्या बोलते हैं? फैट सॉल्युबल। दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं वाटर वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से बताओ भाई? ए डी ई और के। ठीक है, यानी चार ऐसे विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि फॉलोइंग द फैट सॉल्युबल विटामिन, बताना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या मिल सकता है? ए आर डी आर ई आर के। समझ आया? ये सारे के सारे क्या है? फैट सॉल्युबल। क्लियर हुआ ना? आगे बढ़ जाए। अब देखो जो वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल में सिर्फ दो हैं, इसलिए इसको याद रखना इजी है। बचे कौन? अब ए डी ई के हो गए तो बचे कौन? बी और सी, या बी और सी हो गया तो फिर बचे कौन? अडेक। इनको वर्ड वर्ड में क्या बोलेंगे? एक शब्द में इसको बोलेंगे अडेक। ए डी ई और के, अडेक। ठीक है, क्या बोलेंगे? अडेक। अब देखिए इसमें क्या आपको याद रखना है? तो इनके केमिकल नेम को याद रखना है। ठीक है, क्या जानना है? केमिकल नेम, सोर्सेस और इनकी डिफिशेंसी। ठीक है, क्या क्या जानना है? केमिकल नेम, डिफिशेंसी एंड सोर्सेस। क्लियर हुआ? एक एक करके सबको समझा जाए। तो हम शुरुआत करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन से। ठीक है, क्या होगा? फैट सॉल्युबल विटामिन। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? चलो, तो विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, अब बाय द वे रेटिनॉल ऑप्शन में नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको मिल जाएगा क्या? बीटा कैरोटीन। क्या मिल जाएगा? बीटा कैरोटीन। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा? बीटा कैरोटीन एंड रेटिनॉल बोथ। सोर्सेस क्या जाएंगे? रिच फूड ऑफ फिश लीवर। फिश अकेले नहीं, फिश लीवर ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट, मस, लीफी वेजिटेबल्स एंड कैरेट्स कंटेन कैरोटीन्स दैट। समझ आया? तो ये बीटा कैरोटीन याद रखना। कैरोटीन यहां भी दिख रहा है ना, बीटा कैरोटीन। ठीक है, जो कि विटामिन ए का दूसरा केमिकल नेम भी है। ठीक है, और फंक्शन देखा जाए क्या करेगा ये? नीडेड फॉर द हेल्दी इपिथेलियल सेल्स, मतलब ये आंख में होती है, ये स्किन पे होता है। इपिथेलियल जो होते हैं ना, ये स्किन और आई पे होते हैं। ठीक है, देन नीडेड फॉर द रिजनरेशन ऑफ, ये कहां होता है? ये आई में होती है, स्पेशली रेड सेल्स ऑफ द आई। ठीक है, समझ आया? तो अगर इसकी कमी होगी तो जनरली क्या होगा? स्किन डाई रहेगा, नाइट ब्लाइंडनेस। इस इफेक्ट कहां होगा इसका? स्किन पे। लेकिन इसके साथ और भी कुछ चीज याद रखना, यह जो है एंटी इंफेक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? एंटी इंफेक्शन। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है? इंफेक्शन को रोकता है। ठीक है, एंटी इंफेक्शन का मतलब क्या? इंफेक्शन को रोकता है। अब इंफेक्शन को रोकेगा तो कैसे रोकेगा? कैसे रोकेगा? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके, तभी ना। तो क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है कि किस विटामिन को इम्यूनिटी कंट्रोल विटामिन कहते हैं या इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन कहते हैं? एंटी इंफेक्शन विटामिन किसे कहते हैं? एग्जैक्टली। समझ आया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है
सी की बात कौन सा है? ए डी, क्या है? डी। डी को क्या कहते हैं? डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सी, कैल्सीफेरॉल यहां पे है, ये कैल्सीफेरॉल, ठीक। अब इसके रिच फूड्स सोर्सेस क्या है? फिश ऑयल, एग, क्या होता है? हाँ, वही एल एंड वाटर। इट कैन बी द मेड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन स्किन। क्लियर हुआ? फंक्शन देखो, फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रमोटेड द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल बोन एंड क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फेट फ्रॉम यूरिन। क्लियर हुआ? अब यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन से विटामिन है, ठीक है, जिसका एब्जॉर्प्शन, जिसका एब्जॉर्प्शन लीवर में होता है या ह्यूमन बॉडी में होता है। क्वेश्चन पूछ ले ह्यूमन बॉडी में है ना, इंटेस्टाइन, क्या हो जाएगा? डी, ठीक है, याद रखना। क्या डी का एब्जॉर्प्शन कहां होता है? एग्जैक्टली। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट होगा विटामिन ई। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई क्या है? केमिकल नाम क्या है इसका? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। दिस वेजिटेबल्स है, और बताइए, प्रोडक्शन है मेनी अदर फूड्स, फंक्शन रेड ब्लड सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम अनक्लियर इन ह्यूमंस। समझ आया? देखो इसमें कई चीजें हैं, जैसे कि इसकी वजह से क्या डिफिशेंसी, ये इसी की क्या है डिफिशेंसी है, और इसकी मेन डिफिशेंसी क्या है? स्टेरिलिटी। समझ आया? अब देखो, यानी देखा जाए तो ये जो है किसको क्या करेगा? हीमोग्लोबिन को भी बैलेंस करेगा, क्योंकि एनीमिया कैसे होता है? डिफिशेंसी से। समझ आया? तो ये क्या करेगा? हीमोग्लोबिन को बैलेंस करेगा, और इसका एक और मेन फंक्शन क्या है? स्टेरिलिटी, कंट्रोल द स्टेरिलिटी, और स्टेरिलिटी को कंट्रोल करेगा तो इसको हम इनफर्टिलिटी भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? इनफर्टिलिटी। यानी इनफर्टिलिटी को भी ब्रेक करने वाला कौन सा विटामिन है? ई है, और मेनली इसका जो सिम्टम जो होता है ना, स्किन पे सबसे ज्यादा काम करता है। इसीलिए जैसे आपने देखा होगा कि जितने सारे विंटर क्रीम आते हैं, ग्लो क्रीम आते हैं, फेयरनेस क्रीम आते हैं, सब पे लिखा रहता है ना, हेयर ऑयल आता है, सब पे क्या लिखा रहता है? ई। इस वजह से स्पेशली विटामिन ई को एक स्पेशल नाम दिया गया है। क्या? नहीं, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, हु इज द ब्यूटी विटामिन, ठीक है, समझ आया? और स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी को कौन कंट्रोल करता है? रिच सोर्सेस क्या है? वेजिटेबल्स है। क्लियर हुआ? सोर्सेज वगैरह भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, के केमिकल नेम इसका क्या है? फिलोक्विनोन या नेथोक्विनोन, नहीं दूसरा नाम भी है, ये भी नाम जान के रखो, ठीक है। फिलोक्विनोन या क्या बोलते हैं इसको? नेथोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन, नेथो क्यूनोन, ठीक है, नेथो क्यूनोन। तो फिलोक्विनोन अगर जो ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में आपको कौन सा आंसर मिल जाएगा? नेथो क्यूनोन, ठीक है। सोर्सेस क्या है इनके? फ्रेश डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स आल्सो मेड फ्रॉम द गट बैक्टीरिया, ठीक है।
फंक्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथाम्बिन। प्रोथाम्बिन क्या है, सुना है प्रोथाम्बिन? या ये ब्लड प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन है, और मेनली क्या करता है ये क्लॉटिंग का काम करता है। क्या करता है ये, ब्लड क्लॉट करता है, समझ आया? लेकिन विटामिन के नहीं करता है, कौन करता है? प्रोथाम्बिन, ठीक है। प्रोथाम्बिन एक्टिव होकर के ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, और ब्लड में और चार तरह के प्रोटीन होते हैं, जिसमें से एक का नाम है हीपेरिन। नाम सुना है फाइब्रिनोजन, नाम सुना है? नहीं सुना है? तो ब्लड जब पढ़ाएंगे तो ब्लड में मैं इन प्रोटीन के बारे में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना ये? बाकी देखो डिफिशियंसीज का देख लो, डिले ऑफ ब्लड क्लॉटिंग टाइम में न्यू बॉर्न बेबीज बिफोर द देयर बर्थ बिकम द स्टेबलाइज। समझ आया? ये एम्ब्रियो में भी क्या होते हैं, ये जो प्रेगनेंसी में जो न्यू बॉर्न जो होते हैं ना, उनमें भी क्या होता है, क्लॉटिंग रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे भी जो है ब्लड आफ्टर इंजरी, चोट के बाद जो ब्लड क्लॉटिंग के में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्लॉटिंग जल्दी नहीं होता, डिले होता है। समझ आया? कुछ पूछना है इसमें? सब समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा, स्ट्रीम है यही, चलो इसीलिए जल्दी समझ आ रही है। हाँ हम भी गए क्यों एकदम फटाफट समझ के जा रही है। कल की चीजें सब याद आ रही है ना, लेकिन इसमें जो साइंस होता है ना, टेंथ स्टैंडर्ड का ही होता है, बिल्कुल बेसिक चीजें है कि नहीं? अच्छा टेंथ नहीं पढ़ी। चलो हो गया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, के बारे में, के बारे में वाटर सॉल्युबल हो गया, यानी हम लोगों ने सारे फैट सॉल्युबल पढ़ लिए। कौन कौन से, ए डी ई और के, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? एग्जैक्टली चलो वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं, बी और सी। बी और सी, तो बी में क्या है ना, विटामिन बी को हम कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स विटामिन। क्यों कहते हैं? इट्स ए ग्रुप ऑफ 8 to 10 विटामिन। विटामिन बी इज ए ग्रुप ऑफ 8 to 10 विटामिन, ठीक है। जैसे बी वन है, बी वन है क्या, थायमिन। क्या है? थायमिन। सोर्स इट्स क्रिशन नॉट सेट्स फॉर फंक्शन एंजाइम सेल इन रेस्पिरेशन, कोएंजाइम इन रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है और ये कोएंजाइम के रूप में ये काम करता है, एनर्जी देता है, ठीक है। और इसका डेफिशिएंसी क्या है, बेरी बेरी। डेफिशिएंसी क्या है, बेरी बेरी। बेरी में क्या होता है, मसल्स रेस्टेस एंड सस्टेंटेड द ग्रोथ नर्व्स एंड डिजरेशन। समझ आया? यानी इसमें जो मसल्स जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, लूज होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, ठीक है। नर्व्स जो होते हैं क्या करते हैं, डीएक्टिव मोड में होने लगते हैं, यानी ये जो होते हैं सारे जो है ये मसल्स वगैरह पे कंट्रोल करके नर्व्स और मसल्स को बैलेंस करने में ये मदद करते हैं। यहां तक समझ आया? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़े। बी टू क्या होगा, केमिकल नेम इसका, बी टू क्या होगा, राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। केमिकल नेम राइबोफ्लोविन एंड रिच फूड ऑफ सोर्सेस क्या हो जाएगा, लीवर मिल्क एग्स ग्रीन एंड वेजिटेबल्स। फंक्शन क्या हो जाएगा, कोएंजाइम में सेल द रेस्पिरेशन इन ए प्रिस्क्यूसर ऑफ फैट, ठीक है। डेफिशिएंसी क्या है इसका, स्किन एंड ब्लड विजन, यानी आंख की डेफिशिएंसी होगी, आई साइट इश्यूज होंगे और क्रैक स्किन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो देखो इसमें मेन जो है ना, केमिकल नेम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, केमिकल नेम वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादातर आते हैं। सी का बताओ, नियासिन।
बी थ्री का क्या है, नियासिन, ठीक है। रिच फूड सोर्सेस लिवर इज होल क्रेसिल एंड विन्स, फंक्शन ये भी कोएंजाइम की तरह रेस्पिरेशन के लिए काम करता है। पेलाग्रा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पेलाग्रा जो होती है एक तरह से स्किन डेफिशिएंसी होती है, पेलाग्रा जो होता है स्किन डेफिशिएंसी होती है, और जब भी अगर पेलाग्रा देता है तो उसमें नियासिन को जरूर जोड़ेगा, फॉलोइंग द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन पेलाग्रा होगा। कारण क्या है कि कहीं कहीं जो ना बी फाइव को भी दिया हुआ है नियासिन, इस वजह से नियासिन प्रॉपर दे देता है, उसमें बी थ्री या बी फाइव नहीं देगा बल्कि क्या देगा, नियासिन, ठीक है, समझ आ रहा है ना। yes. चलो आगे बढ़े। अगला है फाइव, क्या बोलते हैं इसको, क्या पेंटाथोन थेनिक, पेंटाथेनिक एसिड, सोर्सेस क्या है, होल्ड द ग्रेन एंड क्रिसिल, फंक्शन क्या है, नीड द मैन्युफैक्चर ऑफ एडिनल हार्मोन्स, एडिनल हार्मोन्स के बारे में सुना है, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। एडिनल कौन रिलीज करता है, एडिनल कौन रिलीज करता है, एडिनल ग्लैंड रिलीज करती है, ठीक है, एडिनल हार्मोन एडिनल ग्लैंड रिलीज करती है, और डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा, अनक्लियर, ठीक है। या इसमें ये भी कह सकते हो ये जो डेफिशिएंसी जो होती है मेनली स्किन स्किन से रिलेटेड बीमारियां होती है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ स्किन, ठीक है। बी फाइव क्लियर हुआ, मेन इसका केमिकल नेम समझ करके रखना है, केमिकल नेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल नेम वाले, डेफिशिएंसी, हाँ केमिकल नेम और डेफिशिएंसी। बी सिक्स है, क्या बोलते हैं, पायरेडॉक्सिन, सोर्सेस क्या है, क्रेसल ब्रैन सम वेजिटेबल्स, क्या ये इंटरकन्वर्शन ऑफ ए एमिनो एसिड, यानी यह जो है पायरेडॉक्सिन है ना, ये मेनली हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या करता है ये, हीमोग्लोबिन को मैनेज करता है, हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है, ठीक है, बिल्ड करता है, और क्या स्किन प्रॉब्लम, और इसकी एक और डेफिशिएंसी जरूर याद रखिए आप, एनीमिया, क्या है, एनीमिया, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी याद रखिए, एनीमिया सिकल सेल्स बोलते हैं, सिकल सेल्स एनीमिया, मतलब एनीमिया जो हीमोग्लोबिन का शेप कैसा होता है, ये आरबीसी का शेप कैसा होता है, जैसे ये जो शेप जो होता है ना ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसका शेप ये वाला शेप चेंज होकर के ना हसी के आकार का, इस वजह से इसको सिकल सेल्स एनीमिया कहते हैं, ठीक है। बी ट्वेल्व आ गया, बी सिक्स, बी ट्वेल्व क्या बोलते हैं इसको, साइनोकोबालमिन, क्या है, साइनोकोबालमिन, और इसमें कोबाल्ट होता है, क्या होता है, कोबाल्ट, कोबाल्ट होता है, और कोबाल्ट होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मैटलिक विटामिन, क्या कहते हैं, मैटलिक विटामिन। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि फॉलोइंग द मैटलिक विटामिन, आंसर क्या होगा, बी ट्वेल्व, वाई, इट्स ए हाईली सोर्स ऑफ कोबाल्ट, क्लियर हुआ। फंक्शन देख लो, मन्यूट्रिशन ऑफ रेड जोन सेल्स एंड बोन मैरो एंड मेंटेन्ड ऑफ द मिलेनिन सेट्स ऑफ नर्व्स, क्लियर हुआ। स्किन वगैरह पे भी क्या करता है, मिलेनिन वगैरह को बैलेंस करके कलर को भी ये सही रखता है, और वहीं बाकी एनीमिया, और इस एनीमिया में क्या बोलते हैं, पार्सनियस एनीमिया होता है, क्या होता है, पार्सनियस एनीमिया या पार्सियन बोलते हैं, पार्सनियस या पार्सियन एनीमिया होता है, ठीक है, जो कि एक नर्व डिसऑर्डर है, समझ आया। चलो नेक्स्ट देखो, अगला बी नाइन फोलिक एसिड। अब नेक्स्ट है आपका, बता दे रहे हैं बी नाइन, इसका केमिकल नेम क्या है, फोलिक एसिड। अब एक चीज और जान लो, फिर बी सेवन भी जान लो, बी सेवन को क्या कहते हैं, बायोटिन, क्या कहते हैं, बी सेवन, या इसी को कहते हैं विटामिन एच, और इसको कहते हैं बायोटीन, बायोटीन, ठीक है, क्या है वो ए क्या था, बीटा कैरोटीन, जबकि ये क्या है, बायोटीन, और इसका मेन जो वो जो होता है
हेयर फॉल और स्किन डिजीज होते हैं B7 का। B9 का केमिकल नेम क्या है? फोलिक एसिड। रिच क्या हो जाएंगे रिसोर्सेस? लीवर, रॉ ग्रीन वेजिटेबल्स, स्टर्नट। फंक्शन क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। सेम जो B12 का होता है सेम इसका भी वही काम होता है, ठीक है। एनीमिया है स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वोमेन जो होते हैं उनको फोलिक एसिड की पिल्स दी जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके सोर्स कौन कौन से हैं? करंट्स, पेपर्स, स्प्राउट्स, साइट्रस फ्रूट्स। साइट्रस फ्रूट्स मतलब लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, जो भी खट्टे हैं सारे के सारे क्या होंगे? सी के अच्छे सोर्स होंगे। केमिकल नेम क्या है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। फंक्शन क्या हो जाएगा? कोलेजन है, इंटरसेलुलर सीमेंट। क्लियर हुआ? और इस वजह से इसको क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक कहते हैं इसको, इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। सी को क्या बोलते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट। डिजीज क्या है? स्कर्वी। डेफिशिएंसी क्या है? स्कर्वी जो होते हैं ना, ये गम वगैरह में स्वेलिंग हो जाता है, पस बनने लगता है, गम में पस बनने लगता है स्कर्वी में, तो गम और टीथ को इफेक्ट करते हैं स्कर्वी, ठीक है। समझ आया गया पूरा विटामिन? चलो नेक्स्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, क्या होता है बताओ? एक्जेटिव प्रोसेस है ना, इन्वॉल्विंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस सच ए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन फ्रॉम CO2 एंड वाटर एंड रिलीज द एनर्जी। रेस्पिरेशन में बी द एनारोबिक विदाउट O2 और एरोबिक विद O2। यानी अब ये समझ लो कि जो रेस्पिरेशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक, ठीक है। ह्यूमन में, ह्यूमन सिस्टम में रेस्पिरेशन की जो बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। अच्छा एनारोबिक कहां होगा? विदाउट ओटो, मतलब मसल्स में, ह्यूमन मसल्स में जो रेस्पिरेशन होता है कैसा होता है? वो एनारोबिक होता है, उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। जबकि बाकी एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। समझ आया? चलो तो ये जो है ऐसे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है बात करते हैं एग्जाम में कुछ जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स की, जो कि एग्जाम में अक्सर जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स क्या है? लंग्स है ह्यूमन में, मानव में भी होता है क्या? गिल्स, गिल्स होता है क्या ह्यूमन में? नहीं होता है, मछलियों में होता है। ट्रेकिया किस में होता है? पक्षियों में होता है, ठीक है। बॉडी सरफेस हम लोगों में होता नहीं, रेप्टाइल्स में होते हैं। बुक लंग्स ये रेप्टाइल्स में होते हैं। फिर ये सिनेडिया, सिनेडिया किस में होगा? ये जो स्नेल होते हैं ना स्नेल, उसमें। एयर ब्लैडर्स फ्रॉग वगैरह में होते हैं, ठीक है। एयर एक्सेस लंग्स ये भी फ्रॉग्स और जो रेप्टाइल्स और होते हैं एम्फीबियन उनमें होते हैं। देखो ये करते क्या है, जैसे देखो लंग्स से रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, गिल्स में क्या है? फिश, टेपवॉल, प्रॉन, गिल्स है। ट्रैकिया इंसेक्ट और सेंट्रिपेड्स और मिलीपेड्स। बॉडी सरफेस प्रोटोजोआ और पोरिफेरंस और सिलेंट्रा, सिलेंट्रेटा बोलते हैं, सिलेंट्रेटा, ठीक है। बुक बॉडी सरफेस हो गया, बुक लंग्स, स्कॉर्पियन एंड टिक्स, माइट्स। माइट्स जानते हो गेहूं में जो पड़ते हैं ना छोटे छोटे घुन। हाँ एयर ब्लैडर, लंग्स, फिश, बोनी फिश, लंग्स बर्ड्स में होते हैं, ठीक है। हाँ दोनों ये बर्ड्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। समझ आया? तो ये नोट कर लेना, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस एनिमल का कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, ठीक है।
चलो इसको भी समझ लेते हैं। सीयूटी माई क्लासरूम ऑनलाइन यू हेल्प यूर प्रिपेयर द सीयूटी आईपी मैट नीट एंड क्लैट। आईपी मैट जो बेसिकली ये जो एग्जाम जो होते हैं बीबीए एमबीए और आईएम के मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए होते हैं, वही क्लैट देखा जाए ये जो एग्जाम जो होते हैं जो स्टूडेंट्स जो है लास्ट सेक्टर में अपना फ्यूचर गाइड करना चाहते हैं उनके लिए जो है क्लैट के एग्जाम होते हैं। और वो क्लैट की तो इस पैनल पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए जा रहे हैं सीयूटी और पीजी के लिए, जो कि ऑनलाइन मोड में, बाकी ऑफलाइन मोड में क्या है पेड है ना, फ्री में पढ़ रही हो पेड है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस सेशन। Thank you.